हमारे साथ मुकेश भी मौजूद है। मुकेश, जैसा कि रणवीर बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ और लगातार जो पुलिस फोर्स है वो इस पर काम कर रही है। अभी हमारे पास ये भी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि प्रयागराज में भी धारा 144 लगा दी गई है। का प्रभाव रहा है, उन क्षेत्रों में कोई हालात ना बिगड़े इसको देखते हुए जो यूपी डॉक्टर है वो अपने हिसाब से कदम जो स्टेप है वो दे रही है और जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां पर एक्शन प्रोटोकॉल इम्पोज किया जा रहा है। जैसा कि रणवीर कह रहे थे कि कल उसका पोस्टमार्टम होगा, तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से कल उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और ये पोस्टमार्टम डॉक्टरों का एक जो पैनल है वो करेगा। इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इस पोस्टमार्टम से साफ होगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कॉज ऑफ जो डेथ का टाइम है वो क्या है, ये सारी चीजें बारीकी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है जिससे कि सारे जो शक हैं और जो शिकायतें हैं वो दूर हो सकती हैं। क्योंकि ये लाजमी है कि जो मुख्तार अंसारी की फैमिली है या उसके जो वकील हैं वो जरूर ये सवाल खड़ा करेंगे कि मुख्तार अंसारी को मारा गया है, क्योंकि वो पहले से इस बात को कह रहे थे और उन्होंने कई बार कोर्ट में भी ये बात कही है। तो उसको देखते हुए जो डॉक्टरों का पैनल है वो पूरा एक पोस्टमार्टम करेगा। अभी पोस्टमार्टम बांदा में होगा या पोस्टमार्टम बांदा से बाहर कराया जाएगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि लखनऊ में भी पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जहां किसी की डेथ होती है उसी जिले में पोस्टमार्टम होता है। तो अभी तक के हिसाब से उसका जो पोस्टमार्टम है वो बांदा में होगा जो कि डॉक्टरों का एक पैनल करेगा। मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था, जो एक आपराधिक दुनिया का साम्राज्य था, वो काफी बड़ा साम्राज्य था। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो यूपी पुलिस के पूर्व डीएसपी सरन सिंह हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को 2004 में कोटा के तहत बंद किया था, क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर के ठिकानों पर रेड की थी और वहां से एक लाइट मशीन गन बरामद की थी, जो कि एक ऐसा वेपन होता है जो आमतौर पर आम लोगों के पास नहीं होता। या तो सरकार के पास ये वेपन मिलता है या जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके पास ये वेपन मिलता है। तो ये जो वेपन था उसको बरामद किया गया था और इसके बरामदगी के बाद आप ये देखिए कि जो मुख्तार अंसारी है उसका जलवा कुछ इस कदर था कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोटा लगाने वाले डीएसपी थे उनको एक मुकदमे में बंद कर दिया, इम्प्लीकेट कर दिया और वो काफी लंबे समय तक जेल रहे थे। लेकिन जब 2014 में जो 2014 के बाद जब योगी सरकार आई तो उस वक्त फिर शैलेंद्र सिंह को जेल से बाहर निकाला गया, उन पर जो मुकदमा था वो विड्रॉ किया गया और शैलेंद्र सिंह इस बात को लेकर काफी रोए थे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी के कहने पर उनको लंबे समय तक जेल में रखा गया और एक अपराधी का जलवा ऐसा था कि एक पुलिस अफसर को जेल में रखा गया और लंबे समय तक वो जेल में रहे। तो इस तरह से जो मुख्तार अंसारी का दबदबा ना केवल आपराधिक दुनिया में था बल्कि राजनीतिक गलियारों में उसकी काफी पकड़ थी, चाहे बसपा रही हो या फिर समाजवादी पार्टी रही हो, दोनों पार्टियों में वो आता जाता रहा और लगातार अपने हिसाब से उन पार्टियों में शामिल हुआ और अपने हिसाब से उसका जो आपराधिक इतिहास है वो काफी लंबा चला रहा है। खासतौर से पूर्वांचल में जिस तरह से उसका जलवा था, जिस तरह से उसका दबदबा था, वहां पर 80 के दशक में दो ही गैंग थे, एक मुख्तार अंसारी का और दूसरा ब्रजेश सिंह का, और इन दोनों गैंग्स में आपस में लगातार गैंगवार करती रही, लगातार ये गैंग एक दूसरे के लोगों को मारते रहे। कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो उस समय पूर्वांचल में काम कर रहे थे, अलग अलग परियोजनाओं में काम कर रहे थे, कई बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को मारा गया मुख्तार अंसारी पर। कई बड़े कॉन्ट्रैक्टरों की हत्या का आरोप है, कई पुलिस अफसरों की हत्या का आरोप है, पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है, कई बड़े ठेकेदारों की हत्या का आरोप है और सबसे बड़ी जो हत्या थी वो 2005 में जिन्होंने 2002 के चुनाव में मुख्तार अंसारी को हराया था और उसके बाद से मुख्तार अंसारी का दुश्मन बन गया था। और ये भी मुख्तार अंसारी को लग रहा था कि जो ब्रजेश सिंह माफिया डॉन है वो कितना रन के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए 2005 में जेल में रहते हुए आरोप लगा कि जो मुख्तार अंसारी है उसने कृष्णा राम राय की हत्या करवाई और हत्या कुछ इस तरह हुई कि जो लोग हत्या करने आए थे उन्होंने बेखौफ होकर AK-47 से 400 राउंड फायर किए और उसमें 7 लोग मारे गए थे जिसमें कृष्णा राम राय शामिल थे, उनके गनर शामिल थे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। तो 7 लोग मारे गए थे और जिन लोगों की मौत हुई थी उनके शवों से करीब 67 कारतूस बरामद किए गए थे। तो इस तरह से बेखौफ होकर हत्याओं को अंजाम दिलवाने में जो मुख्तार अंसारी का नाम था वो उस वक्त काफी चर्चा में था और एक तरह से उसका बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ
तमाम इलाकों में बेहद खौफ था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उसको भगवान मानते थे, जो कहते थे कि वो गरीबों का मसीहा है। और खुद मायावती ने एक बार कहा था कि मुख्तार अंसारी मोमिन हुए गरीबों का मसीहा है। लेकिन उसको जब पंजाब की रोपर जेल भेजा गया तो आरोप ये लगे कि लगातार जेल के अंदर रहकर वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। और ये भी कहा जा रहा था था कि मुख्तार अंसारी को इस कदर शौक था खाने पीने का कि जेल के अंदर उसने एक तालाब खुदवा दिया था जिसमें वो सारी मछलियां वहां से लाकर खाता था। और जेल के अंदर एक उसका लग्जरियस कमरा था जिसमें सोफा था, टीवी था, तमाम जो साधन थे वो जेल के अंदर थे। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश करती रही, खासतौर से योगी सरकार, कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपर जेल से लाया जाए और यहाँ पर लाकर जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों में उसके खिलाफ जो है मजबूती से पैरवी हो जिससे कि उसका कन्विक्शन हो। क्योंकि उस पर जो केस लगे हुए थे मोस्टली केसों में, अधिकतर केसों में लगातार वो बरी हो रहा था या फिर जो गवाह थे जो मारे जा रहे थे या फिर गवाह बयान पलट रहे थे, क्योंकि वो इतना उसका दबदबा था कि जो गवाह थे वो गद आते थे। तो ज्यादातर केसों में वो बरी हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में है जिसमें से सबसे बड़ा जो केस है वो एक आम लाइसेंस का केस है जिसमें उसको 13 मार्च 2024 को आजीवन कारावास की सजा हुई। वहीं अप्रैल 2023 में बीजेपी के एमएलए रहे कृष्णा राम राय की हत्या के आरोप में उसे 10 साल की सजा हुई। और जैसे ही सजा हुई और उसके पहले ही, क्योंकि वो 2021 में ही बांगा जेल में पहुंच गया था, तब से उसके बुरे दिन शुरू हुए। वो लगातार ये आरोप लगाता रहा कि सरकार उसको मरवाने की तलाश में है, कई तरह की बीमारियों के बहाना बनाकर कहें या बीमारियों के बहाने वो लगातार कोर्ट में कई तरह की अर्जियां लगाता रहा। लेकिन जांच में उसके सभी आरोप झूठे पाए गए थे और कोर्ट से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बात को अवगत कराया था कि जो उसके एलिगेशन है वो सारे झूठे हैं। अब आज की जो आज का जो घटनाक्रम है वो यही है कि वो अचानक जेल के अंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। जेल प्रशासन उसको तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज लाया, 9 डॉक्टरों ने उसको देखा और उसका उपचार किया। लेकिन डॉक्टरों का कहना यह कि काफी मशक्कत के बाद भी वो मुख्तार अंसारी को बचा नहीं पाए और आखिरकार उसका निधन हो गया है। और उसका जो कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है वो ये लिखा गया कि हार्ट अटैक। मुकेश, मैं आपको बीच में रोकूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।